दोस्तों टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस की विनर रह चुकी जूही परमार एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर उनके फैंस काफी हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों जूही मौत को मात देकर वापस लौटी है। होली वाली रात को जूही के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उन्होंने अपने फैंस के साथ में शेयर किया है। दोस्तों जूही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि 21 मार्च यानी कि होली वाली रात को मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उस समय मैं अपने दोस्त आशिका गोरडिया के घर पर थी। वो मुझे अस्पताल लेके गई, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट ठीक थी। मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है और मैं अगले 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मेरी बेटी समायरा का ख्याल रखना। तभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ चुकी है। मुझे लगा कि सब मुझसे दूर जा रहे हैं और मैंने तब भगवान से बात की। मुझे लगा मेरी आत्मा जा रही है लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकती थी क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जूही ने आगे लिखा कि मैंने उस वक्त भगवान से बात की और उनसे उस समय के लिए माफी मांगी जब मैंने अपनी लाइफ को महत्व नहीं दिया। उस पल के लिए भी माफी मांगी जब मैं आभारी नहीं रही। मैं माफी मांगती हूँ लेकिन प्लीज मुझे मेरी बेटी के लिए जीने दो। मैं बहुत ही स्ट्रांग महिला हूँ लेकिन हम स्ट्रांग महिला के पास भी दिल होता है जो कई बार दुखता है। मेरा भी कई बार दिल दुखा है लेकिन उस पल ना मुझे अपने तलाक का ख्याल आया, ना सिंगल पेरेंट होने का, ना अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में। मैं उस समय जो कुछ भी देख सकती थी वो सिर्फ मेरी बेटी का चेहरा और जिंदा रहने की इच्छा थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हम कितने छोटे हैं और अपनी परेशानियों को कितना बड़ा बना देते हैं। दोस्तों आपको बता दें जूही परमार ने एक्टर पति सचिन श्रॉफ से शादी की थी। साल 2012 में जूही बिग बॉस की विनर बनी और इसके बाद में उन्होंने एक बेटी समायरा को जन्म दिया। इसके बाद जूही और सचिन के रिश्तों में दरार आ गई और साल 2018 में दोनों का तलाक हो गया। बेटी की कस्टडी जूही के पास है और वो अकेले ही उसे पाल रही है।